आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बंद दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आए। तो निवेदन करूंगा मैं आपको, आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार अब 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है, अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव है चम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव, शिव जी का एक अवतार हुआ था अवधूत रूप शंकर, शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था, उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था, अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटा लगा, सुना है कि नहीं सुना, अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना, किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा, जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, वास्तुशास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो, उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए, चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान करा, एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझते, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या, बस हृदय चित्त कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यापार के स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन
शास्त्र कहता है महाराज जी शमी पत्र की पांच पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? पांच। शमी पत्र की पांच पत्ती, बेल पत्र की ग्यारह पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से सात बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री बोलिए जम के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बल पत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास कर, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो एक लोटा पानी कलश मारा उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए, 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए, 3 शमी पत्र 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए मार, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय जल छोड़ते समय उत्तर की ओर आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े, आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूरे तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग कोई धन कोई संपदा कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है, ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें सूर्य देवता का और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता, या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई हो तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है, खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो लड्डू का दान दो अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहे और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते करते, जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो प्रॉपर्टी के लिए धन के लिए दौलत के लिए संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला है कोई किसी की मुख फूला हुआ है, निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर एक लोटे पानी में काली तिल डालकर
और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर, जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए, कहते हैं मकर संक्रांति है, जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, मारा संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली, कल के लिए ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाए तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है, उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाए, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रेंदना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण,